अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ अहमद और मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं सब। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफ़ियत से रखे, सेहत व तंदरुस्ती अता फ़रमाए, ढेर सारियाँ खुशियाँ अता फ़रमाए दोस्तों। तो इसी उम्मीद के साथ आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट कि अल्लाह पाक तमाम इंसानों की ज़िंदगी में ढेर सारियां खुशियां लाए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे बारिश हो रही है, तो मैं आज का व्लॉग आपको बारिश में बना कर दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं मेरे ऊपर भी बारिश है, ये देखें तो मौसम काफ़ी अच्छा प्यारा बना हुआ है, ठंडा भी है। तो मैंने सोचा कि दोस्तों को बारिश का मौसम चेक करवाऊं और हरी भरी फसलें भी चेक करवाऊं। तो देखें ठंडी ठंडी ठंडे ठंडे मौसम में ये मेरे पीछे चारा है भैंसों का, ये आप देख रहे हैं दोस्तों। दोस्तों काफ़ी दिनों से यार मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं कोई व्लॉग जो है वो नहीं बना सका। तो काफ़ी दोस्तों ने रिस्पांस देना यार बंद कर दिया, तो यार ये अच्छी बात तो नहीं है ना। तो प्लीज़ रिस्पांस दिया करें यार, सपोर्ट किया करें भाई की। तो आज काफ़ी दिनों के बाद तबीयत संभली है, तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग बनाता हूँ। तो जो भी भाई चैनल पर नए हैं और मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों ये है लहसुन, ये देखें ये लहसुन का जो पौधे हैं, ये लहसुन खड़ी हुई है, वही लहसुन जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, ये देखें। और ये पालक है, पालक है जिसको हम सालन में खानों में इस्तेमाल करते हैं, ये देखें। मैंने सोचा आज बारिश में दोस्तों को इंजॉय करवा दूं। ये देखें बारिश के साथ पालक में पत्ते भी भीग चुके हैं। दोस्तों वैसे भी सुबह सुबह का मौसम है, तो इस वक्त 8:30 हुए हैं। ये देखें बारिश के जो बूंदे हैं वो मेरे ऊपर काफ़ी तादाद में गिर रही हैं, और मेरा जो सेल फोन है वो भी भीग रहा है। तो दोस्तों ये है जिसको हम साग कहते हैं, सरसों का पौधा है ये, इससे हम साग बनाते हैं। और ये देखें ये इसकी गंदल होती है, इस गंदल से बहुत ही मज़ेदार जो साग है वो बनता है। दोस्तों साग के साथ मकई की रोटी हो और मक्खन का पेड़ा हो तो क्या ही बात है यार, खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। ये देखें और ये बारिश के जो कतरे हैं, ये देखें मोतियों की तरह चमक रहे हैं। क्या बात है यार,
बारिश में बाहर निकलने का मज़ा आ गया। ये देखें, और ये सरसों के फूल जो हैं वो खिले हुए हैं। ये देखें, और ये वही साग है सरसों का, गंदलों वाला साग खड़ा है बहुत ही ज़बरदस्त। इधर तो ये देखें दोस्तों, ऊपर से बारिश भी है। ये बारिश में साइड वाला जो हिस्सा है ये देखें, तो दोस्तों मैं इतना लंबा तो व्लॉग नहीं बनाता, छोटा छोटा सा व्लॉग, बिल्कुल छोटी लेंथ का होता है मेरा व्लॉग, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। मेरा व्लॉग जो है वो इतना बड़ा तो नहीं होता, बिल्कुल छोटे छोटे से व्लॉग मैं बनाता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए करें यार। ये देखें, ये बरसीम है, भैंसों का जो चारा होता है, इसके ऊपर शबनम देखें कैसे मोतियों की तरह चमक रही है ये। तो ये आलू की फसल खड़ी है, ये जो आलू हम खानों में भी इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, चिप्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, ये उसकी फसल है। तो ये आलू की जो बेलें हैं ये देखें, काफ़ी गल सड़ चुकी हैं, कुछ हरी हैं, तो ये दोस्तों काफ़ी तादाद में जो कोहरा है वो पड़ता रहा। बारिश आने से कुछ दिन पहले काफ़ी कोहरा जो है वो पड़ता रहा है, इसकी वजह से ये जो आलू की बेलें हैं ये जल गई हैं, क्योंकि ये जो कोहरा होता है ये भी एक बर्फ़ की किस्म होती है जो कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से रात को जो बर्फ़ होती है वो ठंड की वजह से इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि ये कोहरे की शक्ल में बर्फ़ पड़ती है, तो जिसकी वजह से ये फसलें वगैरह जो होती हैं, सब्जियां हो गई, तो ये काफ़ी इनको नुकसान पहुंचता है। जो गंदम की फसल होती है उसके लिए तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त होता है। ये देखें, तो दोस्तों ये काफ़ी एकड़ में आलू की फसल फैली हुई है। ये देखें, जहाँ भी दूर तक देखेंगे आप, ये
आलू की फसल है, और इस आलू की जो बेलें हैं वो कोहरे की वजह से जल चुकी हैं। बारिश का मौसम है, सूरज तो बिल्कुल ही नहीं निकला। ये देखें ऊपर बादल बिल्कुल गहरे छाए हुए हैं और बारिश भी हो रही है। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी सी जो वो लगी हुई है।